लेकर आ गया हूँ आपके लिए टॉप 3 बेस्ट MIUI 12 थीम्स ऑफ द डे की एक और न्यू स्पेशल वीडियो। और इस तरह की वीडियो में बात करते हैं काफ़ी कूल अमेजिंग थीम्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का लाइव वॉलपेपर, जो कि प्लेनेट वाला वॉलपेपर है, कुछ इस तरह का लाइव वॉलपेपर अपने मोबाइल में सेट करना चाहते हैं होम स्क्रीन पर, या फिर कुछ इसी तरह के और भी लाइव वॉलपेपर अपने होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर एक और जो लाइव वॉलपेपर है कुछ इस तरह का, तो वो आप सेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक टारगेट मैंने रखा है 100। आई होप कि आप इसे आसानी से कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो फर्स्ट थीम है इसका नाम है मीए, डिजाइनर का नाम है कृष्ण कांत K3। ये थीम स्टोर पर आपको मिल जाएगी। लिंक इसका अवेलेबल हो सका तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक तो इसका जो वॉलपेपर है होम स्क्रीन वाला, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार सा देखने को मिल जाता है। पिक्सल मोबाइल की तरह इसमें क्लॉक विजिट मिल जाती है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कंट्रोल सेंटर है काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी कलरफुल सा दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें दोस्तों इसके जो डायल पैड का UI है, तो डायल पैड का UI आपको कुछ इस तरह से सिंपल सा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ चलते हैं सेटिंग वाली UI में, तो सेटिंग वाली UI का लुक भी आपको डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। अब इस थीम में आपको खास क्या देखने को मिलता है, तो इसमें डार्क मोड का भी सपोर्ट दिया गया है, तो डार्क मोड के साथ ये थीम काफ़ी अच्छे से काम कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, डार्क मोड को ऑन कर लिया, अब जो आपका डायल पैड का या सेटिंग वाला UI है वो यहाँ पर डार्क में हो जाएगा और वॉलपेपर भी थोड़ा डार्क में चला जाएगा। बाकी यहाँ पर और क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको आइकन काफ़ी शानदार से देखने को मिलते हैं। देख पा रहे होंगे काफ़ी कलरफुल से आइकन हैं, काफ़ी ग्लोई आइकन है, ये आपको आइकन बिल्कुल पसंद आएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन का वॉलपेपर अच्छा है, आइकन अच्छे हैं। अब दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि एक लाइव वॉलपेपर था, अगर उसी तरह के लाइव वॉलपेपर को आप अपने किसी भी थीम में सेट करना चाहते हैं तो ये GIF लाइव वॉलपेपर के एक एप्लीकेशन है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कोई भी GIF जो है, जो आपकी फेवरेट GIF हो, तो उसे आप एज ए लाइव वॉलपेपर सेट कर पाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो एक्टिवेट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ टैप करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर गियर टाइप का आपको एक आइकन दिखेगा, जिससे ही इस पर टैप करेंगे यहाँ ओपन GIF का ऑप्शन आएगा। अगर आपने GIF कहीं से डाउनलोड कर रखे हैं तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, ये कुछ यूनिकॉर्न वाली जो GIF है, काफ़ी कलरफुल सी, काफ़ी अच्छी सी, और इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि इसके जो साइज है या फिर इसका जो आपको रोटेशन वगैरह करना हो वो कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तो इस तरह के काफ़ी ऑप्शन इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं, जिससे आपकी जो GIF है वो बिल्कुल एज ए लाइव वॉलपेपर आपके होम स्क्रीन पर अगर आप सेट करना चाहें तो आप होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। वैसे अभी Xiaomi के फ़ोन में ये लॉक स्क्रीन पर जो वॉलपेपर है वो काम नहीं कर रहा है, पर होम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पर सेट हो चुका है ये GIF। तो इस तरह से आप कोई भी GIF को लाइव वॉलपेपर की तरह लगा सकते हैं और एक अपनी थीम को एक शानदार सा लुक दे सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन पर नहीं आया है, तो लॉक स्क्रीन पर आपको डिफ़ॉल्ट सही वॉलपेपर देखने को मिल रहा है, टॉप पर क्लॉक विजेट, कैरोजल कैमरे जैसे ऑप्शन हैं। अब इस लिस्ट की जो सेकंड थीम है इसका नाम है पोको X3 MIUI, डिजाइनर का नाम सैम है कृष्ण कांत K3। थीम स्टोर पर ये भी थीम आपको मिल जाएगी। तो इस थीम में मुझे क्या अच्छा लगा, तो आपको कंप्लीट लुक दिखाई देते हैं। एक तो इसका वॉलपेपर काफ़ी ग्लोई सा है, काफ़ी मिनिमल सा है, तो ये मुझे पसंद आया। यहाँ पर आप देखिए इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, साथ में डार्क मोड का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये थीम आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है और इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है आप देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर और भी चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि डायल पैड का UI हुआ तो वो आपको डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी सेटिंग वाली UI की, तो पिछली थीम की तरह इसमें भी आपको डिफ़ॉल्ट ही लुक देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपका वॉलपेपर अच्छा है और इसके जो आइकन पैक, जो इसमें आइकन पैक दिया गया है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इन डिजाइन ने शायद ये डायल पैड और सेटिंग में चेंज नहीं करते हैं ये, और केवल यहाँ पर आइकन पैक और वॉलपेपर पर
फोकस करते हैं। इसमें भी एक यहाँ पर हम वॉलपेपर सेट करना चाहें कोई भी GIF, तो वो सेट करने के लिए गियर वाले आइकन पर टैप किया, ओपन GIF किया और यहाँ पर एक दूसरा वॉलपेपर अगर आप लगाना चाहते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितनी भी GIF मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये कुछ आपको मिनिमल रॉकेट फ्लाइट वाली GIF इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। जैसा भी आपको यहाँ पर रोटेशन करना हो वो कर सकते हैं। चेंज स्केल करके एक ऑप्शन रहता है, इससे आप जैसा भी आप इस GIF के साथ चेंज वगैरह करना चाहें वो कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इस GIF को सेट कर लीजिए और यहाँ पर इसे होम स्क्रीन पर कर लीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कुछ लुक आपको यहाँ पर लाइव वॉलपेपर वाला लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ लॉक स्क्रीन की बात करें तो ये लॉक स्क्रीन पर अभी सेट नहीं हुआ है, पर जो लॉक स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है वो काफ़ी अच्छा है। कैरोजल कैमरे जैसे इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं, बॉटम में टॉप पर क्लॉक विजिट, तो ये कुछ लुक मिलता है इस थीम का। अब इस लिस्ट की जो लास्ट थीम है उसकी बात करें तो इसका नाम है बागी और इसके डिजाइनर का नाम है असद। ये थीम भी आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगी और इसका होम स्क्रीन लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी रेड ब्लैक सा वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर काफ़ी आपको यूनिक देखने को मिलता है, देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर ग्रीन ब्लू और जो येलो कलर के टाइल्स टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन पैनल है वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा, उसका भी लुक काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन पैनल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी डिजाइन किया गया है इस नोटिफिकेशन पैनल को, जो कि अधिकतर थीम्स में नहीं देखने को मिलता है। डायल पैड UI की अब बात कर लें तो डायल पैड का UI भी यहाँ पर जो है वो पिछली थीम्स की तरह यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। सेटिंग वाली UI में भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या खास है तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर काफ़ी अच्छा मिलता है, डार्क मोड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो डार्क मोड के साथ में ये थीम काफ़ी अच्छे से काम करती है। अब यहाँ पर आपका डायल पैड का UI या फिर आपका सेटिंग वाला UI पूरा डार्क हो जाएगा, वॉलपेपर भी और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। साथ में इसका जो आइकन पैक है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा, देख पा रहे होंगे कुछ रेड रेड कलर के जो आइकन वगैरह हैं वो इसमें दिए गए हैं, जो कि इस थीम के साथ में काफ़ी सूट करते हैं। और इसमें भी अगर आप वो कोई GIF सेट करना चाहते हैं तो एक और GIF है मेरे पास, तो यहाँ पर इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो कुछ इस तरह की GIF अगर आपको रखनी हो, लाइव वॉलपेपर वाला लुक आपको चाहिए हो तो वो रख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा GIF लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन में जाना है, जो भी आपको GIF सेट करनी हो सेट कर लीजिए। तो ये आपकी GIF एज ए लाइव वॉलपेपर यहाँ सेट हो चुकी है, जो कि यहाँ पर देखने में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसी के साथ में हम बात कर लें इसकी लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन पर इसमें बागी वाला वॉलपेपर आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये है इसका लॉक स्क्रीन लुक, जिसमें बागी वाला वॉलपेपर है, काफ़ी अच्छी सी क्लॉक विजिट है, बॉटम में कैमरे वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है टॉप 3 बेस्ट MIUI 12 थीम। इन थीम में से कोई भी थीम पसंद आई हो या लाइव वॉलपेपर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।